बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़िहान सारी। दोस्तों आज हम कॉन्टीनेंटल किस्म का बनाएंगे स्मोकी चिकन ग्रीन चिली के टेस्ट के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ झटपट बन जाता है। तो चलिए किचन में इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमारे पास चिकन पीसीस हैं और दूसरे मसाले जो इस रेसिपी में यूज़ करेंगे वो आपको हम साथ साथ रेसिपी बताते जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो हमारे चिकन पीसीस है इनके ऊपर कट्स लगा लेने हैं। ये गहरे कट्स होने चाहिए इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कट्स लग चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही करीबन इसमें डालेंगे हम कैचअप। ये होममेड कैचअप है, अगर आप कहेंगे तो आपको इसकी रेसिपी भी दे देंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसके करीबन 1 से 1.5 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट है ये, यानी कि सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और 2 चम्मच डालेंगे इसमें सिरका, और इसके अंदर डालेंगे अब हम 2 चम्मच सोया सॉस। और अब डालेंगे पाउडर मसाले, 1/2 चम्मच डालेंगे हम नमक, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी, 1/2 चम्मच के बाद डालेंगे इसमें कुटी काली मिर्च, और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें हम खुश्क धनिया पीसा हुआ। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्स हो चुका है, मैरिनेशन तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर रख देते हैं हमारे चिकन पीसीस। ये मैरिनेशन अब हम इस पीसीस पर अच्छे तरीके से लगाएंगे और जिनके कट्स वगैरह हैं उसके अंदर भी अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरह से लगाना आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये लग चुका है हमारा मैरिनेशन पीसीस के ऊपर, और अब हमने इसे 1/2 घंटे के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे जो पीसीस है इनको 1/2 घंटा गुजर चुका है, और अब हम इसको डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। और ये हमने मसाले को ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और ये भी साइड पर डाल देंगे। इसके पीसीस के ऊपर नहीं डालना आपने। और अब हम ढक्कन लगा लेंगे इसके ऊपर तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए जो है वो स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, और साथ साथ हम इसको ढक्कन उठा के इसको इसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, ये देखिए, ताकि ये अच्छे तरीके से हर जगह से ही ये एक जैसा पक जाए। बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर जो कैचअप डाला है और ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है ये इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। इंशाल्लाह आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर ये आपकी रूटीन की रेसिपीज में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ ढक्कन उठा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ 20 मिनट गुजर चुके हैं, और इसका पानी जो है वो ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। और हमारे जो पीसीस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से वो गल चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर किसी छोटे बर्तन या फॉइल पेपर के साथ इसके अंदर दहकता हुआ कोयला रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फॉइल पेपर का एक छोटी सी कोली बना ली है, और इसके अंदर अब रखेंगे हम दहकता हुआ कोयला, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऊपर रख देंगे ढक्कन, ताकि स्मोक इसके अंदर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं, और ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखिए हमारा जो चिकन पीसीस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्मोकी हो चुके हैं। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा बन चुके हैं हमारे ये स्मोकी चिकन पीसीस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी कमेंट्स करना कोई भी सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। तो अब दीजिए फ़िहान सारी को इजाज़त।